तो है गाइस, इट्स मी संजय, वेलकम बैक टू अस कमिंग्स। दोस्तों, प्रीव्यू में जिस तरह का वीडियो दिखाया, इस तरह का वीडियो अगर आप लोग बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। गाइस, इस वीडियो को बनाने के लिए जितने भी मटेरियल का मैं यूज़ किया हूँ, सारा कुछ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो गाइस, फर्स्ट आप लोगों को क्या काम करना है, टोरो हिपन एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके टैप टू कनेक्ट करना है। उसके बाद कैपकार्ट एप्लीकेशन को आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब आप लोगों को ओपन करना है कैपकार्ट एप्लीकेशन को। ओपन करते कुछ इस टाइप का इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट आप लोगों को न्यू प्रोजेक्ट पे टच करना है। उसके बाद गाइज, एक आप लोगों को वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, इससे आप लोग ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद लास्ट में देखिए एक वाटर मार्क है, इसे डिलीट कर लीजिए। नीचे ऐड ऑडियो करके आ रहा है, इस पर क्लिक करें, एक्सट्रैक्टेड पे क्लिक करें। अब गाइज, एक 13 सेकंड का वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, इसे ऐड करते ऑडियो नीचे ऐड हो जाएगा। अब आप लोगों को इस वीडियो को बनाने के लिए 8 फोटोज़ की ज़रूरत है। तो आप लोगों को 8 फोटोज़ सिलेक्ट करने के लिए देखिए साइड में एक प्लस का आइकॉन है, इस पर क्लिक करें, फोटोज़ में जाएं। यहाँ पर गाइज आप लोग गैलरी से 8 फोटोज़ सिलेक्ट कर लीजिए। तो गाइज, मैंने यहाँ पर 8 फोटोज़ सिलेक्ट कर लिया हूँ। अब गाइज आप लोग देख सकते हो सभी फोटो यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब आप लोग क्या करना है, फर्स्ट काम ही बीट के अकॉर्डिंग सभी फोटो को कट करना है। तो फर्स्ट फोटो का बीट होगा 1 सेकंड, तो देखिए 1 सेकंड हो चुका है। सेकंड फोटो का बीट होगा 0.7 सेकंड। तो गाइज, बीट नोट देखिए साइड में एंड डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग इसे देख कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए थर्ड फोटो का ड्यूरेशन कितना है, 1.2 सेकंड। फोर्थ फोटो का है 0.3, तो आप लोग क्या कीजिए, थोड़ा सा जूम करके इस तरह से इसका ड्यूरेशन कर लीजिएगा ताकि 0.3 विजिबल हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फोटो 0.4 है। तो इस तरह से आप लोग सभी फोटो को बीट के अकॉर्डिंग कट कर लीजिए। तो गाइज, यहाँ पर मैंने सभी फोटो को बीट के अकॉर्डिंग कट कर लिया हूँ, साइड में बीट नोट देख के, या तो गाइज डिस्क्रिप्शन में भी देख कर आप लोग कर सकते हो। तो देखिए, इतना तक होने के बाद आप लोग क्या करना है गाइज, एक बैक आना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग बैक आइए, आने के बाद आप लोग देखिए नीचे एक ऑप्शन है फॉर्मेट करके, इस पर क्लिक कर उसके बाद 16:9 फॉर्मेट पे आप लोग क्लिक कर लीजिए। तो गाइज, अभी आप लोगों को क्या करना है, सभी वीडियो एंड फोटोज़ को इस तरह से 90 डिग्री रोटेट करके फुल स्क्रीन में कर लेना है। तो देखिए, फर्स्ट वीडियो को मैंने कर लिया हूँ 90 डिग्री रोटेट करके फुल स्क्रीन। उसके बाद आप लोगों को हर एक फोटो को इस तरह से 90 डिग्री रोटेट करके फुल स्क्रीन में करना है, ठीक है। तो ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है गाइज, सिर्फ आप लोगों को फोटो पर क्लिक करना है, इस तरह से 90 डिग्री रोटेट करें एंड फुल स्क्रीन में कर लीजिए। तो ये प्रोसेस आप लोगों को कर लेना है। तो गाइज, मैंने यहाँ पर सभी फोटो को 90 डिग्री रोटेट करके फुल स्क्रीन में कर लिया हूँ। अब आप लोग क्या करना है, सभी फोटो में एनिमेशन ऐड करना है। तो आप लोगों को फर्स्ट फोटो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस जगह पर आइए, फर्स्ट फोटो पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद गाइज आप लोगों को एनिमेशन पे क्लिक करना, देखिए एनिमेशन है। उसके बाद कॉम्बो पे क्लिक करें, यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइड करते पेंडुलम वन करके मिलेगा, इसको आप लोगों को सभी फोटोज में ऐड करना है। तो गाइज आप लोगों को सभी फोटो में पेंडुलम वन एनिमेशन को ही ऐड करना है। तो देखिए इस तरह से आप लोगों को फोटो पे क्लिक करें, उसके बाद पेंडुलम वन पे क्लिक करें, फोटो पे क्लिक करें, पेंडुलम वन पे क्लिक करें। तो इस तरह से आप लोगों को लास्ट तक करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लास्ट तक पेंडुलम वन एनिमेशन को ऐड कर लिया हूँ। अब इतना तो खोने के बाद गाइज आप लोग फर्स्ट फोटो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस जगह पे आइए। आने के बाद गाइज आप लोग देख सकते हो दो फोटो के बीच में एक बॉक्स वाला आइकॉन है, इस पर एक बार क्लिक करें, थोड़ा सा स्लाइड करते ब्लेंस करके मिलेगा, इस पर क्लिक कर लीजिए, इसको 0.2 कर लीजिए, अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर लीजिए। इतना तक होने के बाद आप लोगों को फर्स्ट फोटो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस जगह पे आइएगा। आने के बाद इफेक्ट पे क्लिक करें, उसके बाद वीडियो इफेक्ट पे क्लिक करें, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर पार्टी पे क्लिक करना है, उसके बाद स्ट्रोब पे क्लिक करें एंड इसको खींच के वीडियो के लास्ट तक आप लोगों को कर लेना है। तो इस तरह से आप लोग खींच कर रखिए तो लास्ट तक हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर और एक इफेक्ट ऐड करना है तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए फर्स्ट यहाँ पर आ जाइए, आने के बाद वीडियो इफेक्ट पर क्लिक करें, आप लोगों को ट्रेंडिंग पर जाना, देखिए ट्रेंडिंग है, इस पर क्लिक करें, उसके बाद थोड़ा सा स्लाइड करते यहाँ पर गाइज क्रोमाटिक करके मिलेगा, थोड़ा सा नेटवर्क इशू के कारण ये शो नहीं हो रहा है, तो आप लोग देख लीजिएगा आप लोगों का शो हो जाएगा। तो क्रोमाटिक पे क्लिक करने के बाद गाइज इसे ऐड करें एंड इसको खींच के वीडियो के लास्ट तक कर लीजिएगा। तो गाइज आप वीडियो रेडी हो चुका है, अब आप लोगों को इसे एक्सपोर्ट करना है। तो ऊपर का जो एरो है इस पर क्लिक करने के बाद इसे एक्सपोर्ट कर लीजिए। एक्सपोर्ट करने के बाद गाइज आप लोगों को क्या करना है मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये एक्सपोर्ट हो चुका है। अब आप लोग क्या करना है, बैक आना है, उसके बाद और एक बार बैक आइए, उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट पे अटैच करें। अब गाइज जो वीडियो अभी आप लोगों ने एक्सपोर्ट किया उस वीडियो को फिर से सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद गाइज आप लोग देख सकते हो फॉर्मेट करके इस पर क्लिक करें, 9:16 पे क्लिक करें। इसको अब आप लोगों को 90 डिग्री इस तरह से रोटेट करना है, फुल स्क्रीन में करना है एंड गाइज लास्ट में जो एंडिंग वाला पोर्शन से डिलीट करना है। अब आप लोगों का वीडियो जो है बनकर रेडी हो चुका है। अब आप लोग ऊपर के एरो में क्लिक करने के बाद एक्सपोर्ट कर लीजिए। तो गाइज आज का वीडियो अभी तक था, वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
तो चलिए गाइस इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।